सलमान खान को लगा किससे डर, क्यों बदला अपनी फिल्म का नाम, कैसे हुआ किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान काफी दिनों से हर जगह छाए हुए हैं, कभी अपने टीवी शो बिग बॉस की वजह से तो दूसरा अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के अपडेट्स के लिए। तो सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म अब ईद पर 2023 में रिलीज होने वाली है। आपको शायद याद ही होगा कि इस फिल्म का नाम कुछ दिन पहले तक था कभी ईद कभी दिवाली। काफी टाइम तक इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटमेंट भी लोगों में बनी हुई थी, लेकिन एक दिन अचानक से पता चला कि इसका टाइटल ही बदल दिया गया है। जी हाँ, अब सलमान खान की बिग बजट फिल्म का नाम रख दिया है किसी का भाई किसी की जान। आपको बता देती हूँ कि ये फिल्म सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में ही बनी है और इसलिए इसके सारे बड़े डिसीजन सलमान खान ने ही लिए हैं। सलमान खान और मेकर्स ने पहले इस फिल्म को सेक्युलर एंगल देने के लिए इसका नाम कभी ईद कभी दिवाली रख दिया था, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिल्म का टाइटल सडनली ही चेंज करना पड़ा। तो चलो अब आपको बता ही देती हूँ कि इसका रीजन क्या है। तो सलमान खान की टीम ने ये नाम रख तो दिया, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि टाइटल में ईद और दिवाली दोनों को लेना कहीं इंडिया के करंट पॉलिटिकल स्टेटस के अगेंस्ट ना चला जाए, जहां हर दिन किसी ना किसी वजह से रिलीजन्स के बेसिस पर डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने किसी का भाई किसी की जान यानी कि भाईजान के नाम के साथ फिल्म को रिलीज करने का डिसीजन ले लिया। फिलहाल तो टाइटल किसी का भाई किसी की जान सलमान खान ने फाइनली पसंद कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान खुद इस फिल्म के सारे गाने, टाइटल, कास्ट और एडिटिंग को लेकर सारे बड़े फैसले ले रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि उनकी फिल्म राधे को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था और वो बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। तो बस उसी के बाद से सलमान खान अपने हर प्रोजेक्ट को लेकर काफी केयरफुल हो गए हैं और फूंक फूंक कर ही कदम रख रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सलमान खान की हिट फ्रेंचाइजी की फिल्म यानी कि टाइगर 3 ईयर 2023 की दिवाली पर रिलीज होने वाली है। पहले इसे अगले साल ईद पर रिलीज किया जाना था, पर फिर फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काफी काम बच गया था, जिसकी वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे पुश कर दिया और अब ये फिल्म दिवाली पर यानी कि अगले साल ही रिलीज होने वाली है। फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ भी लीड रोल में होगी। बाकी यहाँ पर बात करें किसी का भाई किसी की जान की, तो उसमें सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू भी नजर आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ बाय द वे इस बार तो शहनाज गिल, राघव जुयाल और जस्सी गिल जैसे बढ़िया एक्टर्स और सिंगर्स भी नजर आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस फिल्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो, टाइगर 3 या फिर किसी का भाई किसी की जान। बाकी इसी तरह के और एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए आप टाइमली देखते रहिए ENT Live।